17 तारीख यानी कि आज आपको पता है कितना तारीख है? कितना तारीख है? आगे जो बच्चे है ना आज बिना ड्रेस में दिखाई दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ड्रेस में होते हैं। और जो यहाँ की व्यवस्था दिखाइए थोड़ा, ये देखिए पूरा टूटा हुआ है, ऊपर दिखाइए, चारों ओर की व्यवस्था खत्म है। तो कहीं ना कहीं सरकार अगर सही होता तो ये व्यवस्था खत्म ना हो। अभी गेट का स्थिति आप देख लीजिए, बच्चे अभी बैठे हुए कट्टा पर, किसी में ड्रेस भी नहीं पहना हुआ है। कोई ड्रेस नहीं पहना है तो ड्रेस में पैसा गया, गार्जियन सिलवाएगा तो हम नहीं सिलवाएंगे। गाँव वाले समझ रहे हैं कि ये सरकार के पैसा आता है आप लोग खा जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ पैसा नहीं है। उसके बाद आया था तब गेट लगवाया, इसको रिपेयरिंग करवाया। मेरा नाम अमित कुमार चौबे है। आप यहाँ के शिक्षक हैं? हाँ। कब मालूम चला आपको कि ऐसे चोरी हो गया? आज पता चला। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं चरपटिया में, यानी कि चरपटिया थाना के अंतर्गत एक पंचायत है जिसका नाम है खरपोखरिया पंचायत। और खरपोखरिया पंचायत के 5 नंबर वार्ड यानी कि जमुनिया टोला में हम उपस्थित हैं। और यहां से लगातार एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जहां पर एक स्कूल है, और इस स्कूल का जो बच्चे के जो खाने के लिए चिच्ची आता है हमारे सरकार की तरफ से, उसको यहां पर चोरी कर लिया गया है। हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार वो चोरी कब हुआ और कब कब चोरी यहां पर होता रहता है, और आखिरकार इस गाँव के लोग क्या कहते हैं इसके बारे में, और यहाँ के जो हमारे शिक्षक हैं उनके विचार क्या बनते हैं, और किस प्रकार से चोरी किया गया, ये जानने का प्रयास अभी साफ तौर पर करेंगे। अभी वो चीज़ आपको दिखाएंगे, वो जगह दिखाएंगे जहाँ पर वो उसका कट्टा रखा गया था चावल का, जहाँ से चोरों ने चोरी किया है। अब जरा सोचिए, जरा सोचिए कि बच्चों के खाने वाला चावल को चुरा दिया जा रहा है तो इस देश में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। और थोड़ा हटिए आप लोग, थोड़ा हटिएगा, थोड़ा आला बढ़ दीजिए आप लोग, थोड़ा एक सेकेंड। ये ऑफिस है, खोलिए इसको, खोलिए दाब को। आप देख सकते हैं यही वो रूम है जिस रूम के अंदर चावल का कट्टा रखा गया था, वो भी बच्चों लोगों को खाने के लिए चावल कट्टा था, लेकिन यहाँ से भी उन अपराधियों ने उस चावल का कट्टा उठाया है और बच्चों का खाना मार खा गया। अब जरा सोचिए कि स्कूल में चोरों के डर से यहाँ पर अंदर कल लगवाया गया है। अब जरा सोचिए इस चीज को, इस तस्वीर को देखिए कि जहाँ पर इतना चोर का निवास है, बताइए कैसे कैसे लोग हमारे देश में पैदा हो जा रहे हैं। अब किनको मैं रेल हूँ यहाँ से, बताइए ये पता है यहाँ पे ये कल क्यों मतलब रखा गया है? इसलिए रखा गया है कि यहाँ पे चोरों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं ये बाहर होता तो लोग आजकल वो भी ना छोड़े होते। और जरा दिखाइए दिखाइए उस दृश्य को, अब कुछ हम बात करेंगे यहाँ। देखिए ये स्कूल की स्थिति मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर, कि स्कूल की स्थिति अब यहाँ इतनी दयनीय है कि यहाँ पर टेबल ना है और ना मैच है, और यहाँ पे कट्टा भी छा करके सभी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। मैं दिखाने का प्रयास करूँगा, ड्रेस की जहाँ तक बात किया जाए तो किसी बच्चे के ड्रेस में भी नहीं है। अब जरा सोचिए कि इस बच्चों का भविष्य क्या होगा और ये बच्चे आगे चल के क्या करेंगे। और जहाँ तक ये मालूम है उस बात को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और जानने का प्रयास करूँगा कि आखिरकार उस दिन हुआ क्या था। क्या नाम होगा जी आपका? हमारा नाम रतन मोटो है। आप यहीं से हैं? हाँ, यही जमुना। ये जो लगातार एक मामला सामने आया अभी आपके गांव में कट्टा चोरी कर लिया गया स्कूल से, चकर कट्टा, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए हम लोग को खबर मिलने पर हम स्कूल में आए हैं। हाँ। मार साहब के कहने के अनुसार 4.5 बोरा चावल चोरी गया है। हाँ। उसको हम छान बान देखे हैं तो छरवाई कबा कर गिराया गया है, बस हम तो यही देखे हैं। अभी हमारे सामने वो शिक्षक मौजूद हैं जो यहाँ पढ़ाते हैं और कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के लिए आगे जाने की कोशिश करते हैं। क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम अमित कुमार चौबे है। आप यहाँ के शिक्षक हैं? हाँ। कब मालूम चला आपको कि ऐसे चोरी हो गया? आज पता चला है। क्या इससे पहले भी कोई चोरी कुछ हुआ है यहाँ? नहीं, आज तक अभी नहीं। आज तक कुछ नहीं हुआ? नहीं। और क्या लगता है आपको किसने किया होगा, क्या लगता है? हल्का भी कुछ मैसेज अब इसके बारे में हम क्या क्या कहें, यहाँ के कुछ असामाजिक तत्व होंगे जो शरारत किए हुए हैं। कभी आपसे किसी की बालाजोरी हुआ हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात, हम लोगों को यहाँ बालाजोरी करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हम लोग यहाँ पढ़ाने आते हैं, अपना समय से पढ़ाते हैं, अपने घर जाते हैं। और कहीं ना कहीं बच्चों को खाने का पैसा और चावल सरकार दे रही है, तो कुछ यहाँ के ऐसे ऐसे लोग हैं जो उसको समझे लूटपाट करके यहाँ से लेकर चल जा रहे हैं। क्या नाम होगा सर आपका? यहाँ का मुखिया हूँ। जी जी जी। और अभी लगभग 20-25 मिनट पहले सर के द्वारा फोन किया गया। अच्छा। सूचना दी गई कि मेरे विद्यालय से चावल का चोरी हुआ है। अच्छा। और मैं यहाँ पर आया हूँ। तो जरा सोचिए कि इस स्कूल में 4 कट्टा चावल सुरक्षित नहीं रह पा रहा है, तो सरकार से क्या बोलना चाहते हैं इसके लिए? अभी प्रशासन अपना जांच पड़ताल करेगा, प्रशासन की हम सहयोग करेंगे, ठीक है, और प्रशासन दोषी पर कार्रवाई करेगा।
और मांग आप लोग किस प्रकार करना चाहते हैं ताकि आज चावल इकट्ठा चोरी हुआ है, कल कुछ और चोरी हो जाए, तो आप लोग क्या मांग करना चाहते हैं, किस प्रकार से इस स्कूल का व्यवस्था किया जाए, सुधार किया जाए, ताकि ऐसे ऐसे अपराध ही फिर दोबारा आकर चोरी ना करें। आप इस पंचायत के मुखिया हैं, कहीं ना कहीं इन जो भी यहाँ पे जनता खड़ी हुई है इन सब के मालिक भी है आप। प्रशासन जो है असामाजिक तत्व जो है उन पर कड़ी कार्रवाई करे और इस तरह की घटना मेरे पंचायत में नहीं हो, नहीं हो, और सब लोग अमन चैन से रहे, यही मैं मांग करता हूँ। क्या अब जरा दिखाइए उस देश को जहाँ से अपराधियों ने, लुटेरों ने उस कट्टे को उठाया है और उस पार को लेकर के गिराया है। देखिए यहाँ पर कुछ चावल का दाना गिरा हुआ है, उससे साबित होता है, साफ तौर पर दिखाइए कि इससे साबित होता है कहीं ना कहीं अपराधियों ने या लूटपाट किया है और यहाँ से कट्टा को उधर फाला है। और कहीं ना कहीं जरा सोचिए इस चीज़ को कि बच्चों के खाने के लिए जो पैसा आता है, जो चावल आता है, उसको भी लूटने वाला यहाँ पर बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार का जो सिस्टम है उन पर ये आरोप लग रहा है और सर का कहना है कि इसको सुधार किया जाए कि आगे चल के ऐसे ऐसे केसेस हमारे स्कूल में ना आए। चलिए हम यहाँ के जो हेडमास्टर बोले आते हैं स्कूल के, उनसे कुछ बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे उनसे किसी अन्य लोगों से मुठभेड़ था कि नहीं था और आखिरकार उन्होंने क्या सोचा इसके बारे में। कौन है ये है में क्या नाम होगा आपका? सरोज कुमारी। सरोज कुमारी, कितने दिन से आप यहाँ पे हैं? हमारा 15 वर्ष हो गया। 15 वर्ष, 15 वर्ष कोई चोरी वही नहीं हुआ था, एगो सामान कुछ नहीं किया खोया था, आज ही चावल अचानक चोरी हो गया है। अचानक चोरी होने का कारण क्या बनता है, किस समय चावल को यहाँ रखा गया था? 17 तारीख को चावल आया, इसी में रखा गया चावल, उसी समय से इसी में था, इसी में से 17 तारीख, यानी कि आज आपको पता है कितना तारीख है? कितना तारीख है? आज 3 तारीख हो गई। 3 तारीख है, यानी कि 17 दूना 34 होता है, 34 यानी कि समझिए कि 16 दिन आज हो गया चावल रखे हुए, और 16 दिन के अंदर में चोरी हो गया। और चोरी 16 दिन के अंदर में चोरी नहीं हुआ, जब बंद हुआ उसके बीच में चोरी हुआ। अच्छा, उसके बीच में हुआ और आपको दिखाई आज दिया है? बीच में चोर स्कूल खुलेगा आए ना दिखाई देगा। अच्छा, स्कूल आज खुला है? आज खुला है। देखिए जरा सोच, चोरी हुआ परसों, हम नहीं ना जान रहे हैं आज चोरी है, कल चोरी है, कल चोरी हुआ परसों चोरी हुआ, हम तो जानते नहीं रहे। तो मतलब 16 दिन स्कूल बंद था और 16 दिन में कोई आया भी नहीं देखने के लिए कि स्कूल कैसा है? मतलब आप लोग देखने कभी आते नहीं है स्कूल को? छुट्टी है तो हम लोग क्या करने के लिए, छुट्टी है तो इसका मतलब आप लोग यहाँ पे आते ही नहीं? कोई रिपोर्ट देना रहता है तो हम आते हैं जाते हैं, और नहीं रिपोर्ट रहता है तो नहीं आते हैं लोग। तो इसमें ताला नहीं लगा हुआ था? ताला लगा हुआ था। ताला, वो टूटा हुआ ताला कहाँ है कि नहीं? इसमें ताले नहीं है। अच्छा, इसमें तले नहीं है, यानी कि ताला को निकाल करके यहाँ फेंक दिया गया है? हाँ, फेंका बोला चल, रखा बोला चल, किया होगा। क्या लगता है मैम आपको कि कभी किसी से झगड़ा वगड़ा हो? ना ना, किसी से नहीं। तो क्या लगता है अगर ऐसे ऐसे सिस्टम अगर सरकार करेगी तो आगे चल के कहीं ना कहीं आज कट्टा चोरी हुआ है, आज आज कुछ भी चोरी हो सकता है, कुछ भी चोरी हो सकता है। और मैं देखा हूँ यहाँ पर कि अंदर रूम के अंदर कल को रखा गया है, तो चोरों को ऐसे कल को रखा गया कि कहीं ना कहीं वो भी चोरी कर लेंगे, चोरी कर लेगा, चाहे कुछ डाल देगा, चाहे उसका नोट बट खोल लेता था लोग, थूक देता था लोग। अच्छा, इसलिए हम अंदर लगवाए हैं कल। और मैम मैं कुछ मतलब ऐसे सवाल करूंगा, कहीं ना कहीं कड़वा सवाल होंगे, इस स्कूल की व्यवस्था कुछ मतलब डैमेज चल रही है, इसमें सरकार से क्या बोलना चाहते हैं? तो सरकार अगर देगी तब ना हम लोग करेंगे। मतलब सरकार से मांग तो आप ही ना करेंगे? हाँ, तो हम लोग करते हैं, आएगा तो होगा। अभी गेट का स्थिति आप देख लीजिए, बच्चे अभी बैठे हुए कट्टा पर, किसी में ड्रेस भी नहीं पहना हुआ है कोई। ड्रेस नहीं पहना है तो ड्रेस में पैसा गया, गार्जियन सिलवाएगा तब ना, हम नहीं सिलवाएंगे। अच्छा, आपने पैसा दे दिया? हाँ, पैसा दे दिया। और गार्जियन लोग मतलब ड्रेस को पैसा खा गए? वो अपना कुछ भी किया, हम लोग कह रहे हैं सिलवाने के लिए, नहीं सिलवा रहे। मतलब जो भी यहाँ पे कमियाँ हैं वो कहीं ना कहीं सरकार की वजह से है और यहाँ के जो लड़के पढ़ते हैं उनके गार्जियन की वजह से यहाँ के ड्रेस नहीं है। और जरा सोचिए कि स्कूल की व्यवस्था, और एक सेकंड सरकार कुछ लोग बनवाया है ड्रेस। सरकार से आप क्या मांग करना चाहती हैं कि ऐसी चोरी ना हो? सरकार से पब्लिक यहाँ कैसी करेगा, सरकार सुरक्षा नहीं ना करेगा, हम नहीं ना तो सुरक्षा करेंगे यहाँ के पब्लिक। आप यहीं से हैं? ना, हमारा यहाँ घर नहीं। कहाँ घर? हमारा घर है दूर जगह। कहाँ पे? हमारा बेतिया से आते हैं घर हमारा। अच्छा, बेतिया से आप आते हैं यहाँ पढ़ाने के लिए? और 15 साल हो गया, और 15 साल के अंदर में आज तक कुछ नहीं हुआ? ना, कुछ नहीं हुआ। और आज पहली बार आपको सामने दिखाई दे रहा है? चलिए, रिपेयर क्यों नहीं हो रहा है? रिपेयर हर एक स्कूल में रिपेयर हो रहा है। अच्छा अच्छा,
तो मैम का कहना है कि ये सरकार को देख रहा हो, यहाँ की जनता खोजेगी कि यहाँ रिपेयरिंग क्यों नहीं हो रहा है और यहाँ की व्यवस्था का सही नहीं हो रही है, इनका काम है पढ़ाना। व्यवस्था से हमारा काम है, जो आएगा फंड आएगा तो हम व्यवस्था करेंगे, नहीं आएगा तो हम कहाँ से करेंगे। आप ही समझिए, आपके पास आएगा तब ना पीजिएगा। और मैं यहीं से अपने मुख्यमंत्री से आदेश करना चाहता हूँ, यानी कि नीतीश कुमार जी से, कि नीतीश कुमार जी अगर आप चाहते हैं कि बिहार के बच्चों का भविष्य अगर सुधर जाए, अगर बिहार के बच्चों का अगर भविष्य सुधर जाए तो कहीं ना कहीं आप अगर इस स्कूल में मैडम जी को देते हैं, टीचर को देते हैं, शिक्षक को देते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ की व्यवस्था को भी दीजिए, ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं ना आज बिना ड्रेस में दिखाई दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ड्रेस में होते और जो यहाँ की व्यवस्था दिखाइए थोड़ा, ये देखिए पूरा टूटा हुआ है, ऊपर दिखाइए चारों ओर की व्यवस्था खत्म है, तो कहीं ना कहीं सरकार अगर सही होता तो ये व्यवस्था खत्म ना होता। अब मैं क्या बोलूँ, अपने न्यूज़ के माध्यम से जो दिखाना होता है मैं दिखाऊँगा, यहाँ पे लाइट लगा हुआ है, सब चीज़ की व्यवस्था है, लेकिन एक चीज में बताइए कि ये क्या यह आपके अंडर में आता है क्या? अगर इसको सही करवाना होगा तो पैसा आएगा तो हम करवाएंगे। मतलब आपके अंडर में आता है कि नहीं आता है बताइए? आता है, माने दूसरा से जब लॉकडाउन लगा है तो कोई विकास राशि कुछ नहीं आ रहा है। अच्छा, जब से लॉकडाउन लगा तब से कुछ नहीं आ रहा? ना, विकास राशि कुछ नहीं, अपना से चौक वोक सब चीज अपना से खरीदना पड़ रहा है, हर एक चीज अपना से। अपना और बताइए, सरकारी स्कूल रहते हुए फायदा क्या है, जब चौक अपना से खरीदना है, स्लेट अपने से खरीदना है और कहीं कहीं बच्चों का तब से अपने से खरीद कर हम लोग करते हैं बताइए। अभी पंखा बिगड़ा है तो 500 रुपया लगा है तो किससे मांगने जाएंगे हम? और आप बताइए, अब ये बताइए कि कहीं ना कहीं मैम गांव वाले समझ रहे हैं कि ये सरकार के पैसा आता है आप लोग खा जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है? कुछ पैसा नहीं है, उसके बाद आया था तब गेट लगवाया है, पूछ रहे हैं। तो जरा सोचिए कि आप लोग सोचते हैं कि कहीं ना कहीं इन शिक्षकों के पास पैसा आता है और ये खा जाते हैं, तो ऐसा कुछ बात नहीं है। और कदापि मैं बता दूं कि जब से लॉकडाउन लगा है तो मैम का कहना है कि उस समय के बाद से कोई ऐसा फंड नहीं आया, कोई ऐसा विकास का कार्य नहीं आया जो मैं स्कूल में करवा सकूं, और कहीं ना कहीं अगर आता है तो मैं उसे शिक्षा पूर्वक से उसे कराने का कार्य करूंगी, और कहीं ना कहीं आगे जो बच्चों का भविष्य है जो मैं ली हूँ मतलब सुधारने के लिए, तो आगे मैं अपना कार्य करूंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।